पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों को शनिवार को प्रवाहित किया गया। हरिद्वार में उनकी अस्थियों को गंगा में पूरे विधि विधान के साथ प्रवाहित किया गया। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में भी उनकी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। पूरे प्रदेश के 72 ब्लॉक में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश रखे गए थे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में अस्थि कलश रखा गया। बता दें, पहले से ये योजना बनाई गई थी कि शनिवार को अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। श्री वीरभद्र सिंह जी का अस्थि कलश आज पटियाला चुनाव क्षेत्र के सियुंता में पहुंचा है और अब इसके बाद ये अस्थि कलश जो है ये टूंडी से होते हुए, पातका से होते हुए, साला से होते हुए, परछोड़ और लाड़ू से होते हुए चौड़ी पहुंचेगा, जहां पर बहुत बड़ी शोक सभा होगी। राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के विकास के मसीहा जाने जाते हैं और जहां तक भटियात चुनाव क्षेत्र के विकास का ताल्लुक है, आज जो भी इस चुनाव क्षेत्र में दिखता है। लाहौल स्पीति के तांदी संगम में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के मंत्रोच्चारण और हवन यज्ञ के बाद राजा वीरभद्र सिंह की अस्थियां प्रसर्जित होंगी। सभी ने अपने लोकप्रिय नेता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, शाहपुर सहित विभिन्न ब्लॉक में पूर्व मुख्यमंत्री को लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के तत्वाधान में जिला की विभिन्न ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई।